नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे अपने को वुडवर्क के लिए अपने को मशीन का ज़रूर रहता है, काफ़ी बार अपने को जैसे कॉस्टली मशीन नहीं लेना रहता है, अपने को लो रेंज में लेना रहता है, तो आपको मैं मशीन दिखा देता हूँ किस तरीके की मशीन रहती है और क्या साइज़ रहती है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ऊपर का जो टॉप है यहाँ पे, इसमें ये जो गेज है 10 इंच का है, और ऐसे में पूरा जो पार्ट है इसकी 3.5 फीट का है। जैसे आप देख रहे हो 45.5 इंच है। दोस्तों यदि अपने को बाई करना रहता है ये, तो आप कमेंट में कमेंट कर देवे, और इसका मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ कि कॉस्ट कितना रहता है। पहले इसके फीचर जान लेते हैं। जैसे नीचे का जो मोटर है, इसमें 3 पेस वाला मोटर है, जैसा आप नीचे देख सकते हो। ये जो मशीन है पूरा चालू कंडीशन में मशीन है, आपको चालू करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे जैसे लकड़ी की रंदाई करना रहता है, यहाँ 8 इंची तक लकड़ी की रंदाई कर सकते हो। जैसे अगर सामने देख रहे हो यहाँ पे, ये जो गेज रहता है, और ऐसे में जो खड़ी लकड़ी है 8 इंच तक यूज कर सकते हो, और ऐसे में जो पूरा पार्ट है 9 इंच तक आप यूज कर सकते हो। और ऊपर का यहाँ पे टॉप आ जाता है, और यहाँ पे ब्लेड के लिए जगह है, और यहाँ पे गेज ऊपर अथवा नीचे करने के लिए, और ये मोटर है। मोटर इसमें चेन का भी आप देख सकते हो अंदर की साइड में, पूरा इस हिसाब से बेल्ट है। जैसे अपने को यदि रंदाई करना रहता है वुडवर्क में, जैसे काफ़ी बार अपने को लकड़ी रंदाई करने के लिए जो फ्रेम का, वुडन फ्रेम का जो रहता है साइज़ मोटा रहता है, 6x3 का रहता है, अथवा अपने को 5x4 का रहता है, तो कभी बार हाथ से रंदाई करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और अपना टाइम भी वेस्ट चला जाता है। और यदि अपने को इसमें ब्लेड डालना रहता है, तो ब्लेड अपने 8 इंच तक यूज़ कर सकते हो। जैसे अपने को छोटा ब्लेड रहता है तो छोटा भी यूज कर सकते हो। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके की यदि मशीन लेना रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे, अथवा मेल में आप मेल कर देवे। और यहाँ पे स्टार्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग से स्टार्टर दिया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है गणेश का प्रोडक्ट है, गणेश की अभी जो फिलहाल में चल रहा है मेवाड़ा का है। और यहाँ से पार्ट को ऊँचा और नीचा करने के लिए जगह दिए गए हैं। इसका जो कंडीशन है पूरा चालू कंडीशन में है, पूरा जो मशीन है पूरा चालू कंडीशन में रखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आपको चला के भी दिखा देते हैं किस हिसाब से आवाज़ करता है, क्या कंडीशन है। जैसे यहाँ से चालू करके एक रंदाई करके देख लेते हैं, पूरा चालू कंडीशन में मशीन है। और इसकी आपको ब्लेड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्लेडी के लिए है। ब्लेडी के लिए इसमें जगह दिया गया, जैसे कई मशीन जो रहता है इसमें सिंगल ब्लेड रहता है, इसमें डबल ब्लेड के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लेड का जो साइज़ है 10x1.25 इंच का ब्लेड है, डायमंड वाला ब्लेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस हिसाब से। और यहाँ से टाइट करने के लिए बोल्ट दिए गए हैं। दोस्तों यदि अपने को ये इस तरीके की मशीन यदि बाई करना है, तो कॉस्ट जो है आपको 35 से 40 हज़ार रुपये के अराउंड में कॉस्ट आपको पड़ेगा। और आप कमेंट कर दीजिए, और अथवा आप मेल कर दीजिए यदि इस तरीके की यदि बाई करना रहता है आपको, ज़रूरत रहता है। जैसे अपने कई बार महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख के अराउंड में नए प्रोडक्ट लेते हैं, तो काफ़ी बार अपना कॉस्ट भी ज़्यादा चला जाता है और अपने उतना काम में भी नहीं आता है।
ये जो मशीन है पूरा नॉर्मली मशीन है, जैसे अपने को घर के लिए पूरा काम हो जाता है, वुड वर्क के यदि अपने को 6 अथवा 8 इंच तक आराम से लकड़ा रंदाई हो जाता है, और ऐसे में हाइट जो रहता है हाइट भी 9 इंच जितना आराम से हो जाता है। ये जो मशीन है पूरा चालू कंडीशन में यहाँ पे मशीन रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।